गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी विल डिस्कस अ टॉपिक ऑफ 8th स्टैंडर्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 9, टाइम एंड अवर। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड द यूनिटरी मेथड। हियर वी इंक्लूड नो कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन। मोर एडवांस प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इन दिस यूनिट वी विल सी इफ एनी क्वांटिटी चेंज देन अदर क्वांटिटी विल ऑल्सो चेंज। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ अ यूनिट आइटम इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड। वैल्यू ऑफ अ यूनिट आइटम फर्स्ट ऑब्टेन्ड वी वैल्यू ऑफ अ यूनिट आइटम। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में फर्स्ट हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Then there are two types of variation. First is direct and second is indirect variation. And what is direct and indirect variation? In direct variation, if two quantities are related to each other such that an increase or decrease in the first quantity causes an increase or decrease respectively in the second quantity. ओके, एंड इन डायरेक्ट इनवेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन आर द सेम। इन इनडायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेस अ डिक्रीज और इंक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी। ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन इन सेवंथ क्लास ऑल्सो। Now we start exercise 9.1. Then question number first, if 6 pencil cost rupees 24, find the cost of 1.5 dozen pencil. 6 pencil cost is given 24 rupees, find the cost of 1.5 dozen. 1.5 dozen pencil cost we find. Students, for solving our problem, while using unitary method, we have to see common sense to see where applies or the inverse variation applies or there is no such a variation. Okay, first for solving the problem, first we see there is direct or inverse variation. Okay, if 6 pencil cost 24, find the cost of 1.5 dozen pencil. We find the cost of 1.5 dozen pencil. So first we take pencil and in back side we take cost. Then we write, this is answer, solution. 6 pencils cost 24 rupees. Okay, 24 rupees. 6 pencils cost 24 rupees. Then we find by unitary method. One pencil cost is, if 6 pencil cost 25, then one pencil cost is ज्यादा होगी या कम होगी? One pencil cost is less, so we take 24/6. अगर हमें कम चाहिए हम डिवाइड करेंगे, अगर हमें ज्यादा चाहिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 पेंसिल की कॉस्ट 24 है तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारी कम होगी, और जब हमें लेस चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। अदर जब हमें ग्रेटर चाहिए, ज्यादा चाहिए, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, देन 1 पेंसिल कॉस्ट 24/6। 6 1 जा 6 4 जा, 1 पेंसिल कॉस्ट इज 4 रुपीज। अगेन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन। इन 1.5 डजन, 1 dozen 12 एंड हाफ डजन 6, देन टोटल 12 + 6 18 पेंसिल। वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 पेंसिल। 18 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू 1 पेंसिल कॉस्ट 4, देन 18 पेंसिल कॉस्ट 18 × 4, क्योंकि 18 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या चाहिएगी? मल्टीप्लाई। ओके, दिस इक्वल टू 72 रुपीज। ओके, 6 पेंसिल कॉस्ट 24, 1 पेंसिल कॉस्ट 4 एंड 18 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू 72 रुपीज। ओके, क्लियर? देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 15 मैंगोज कॉस्ट 75.75 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 मैंगोज। बिल्कुल सेम टाइप, 15 सोल्यूशन आंसर। 15 मैंगोज कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 75.75।
वन मैंगोज कॉस्ट, अगर 15 मैंगो इतने के रुपए की है तो वन मैंगो कम के या ज्यादा के, वन मैंगो कम के, और कम के लिए डिवाइड, देन 75.75 डिवाइडेड बाय 15 मैंगो। ओके नाउ वी सॉल्व 5.5, वन मैंगो कॉस्ट इक्वल टू 5.5 रुपीज। ओके देन वी फाइंड कॉस्ट ऑफ 27 मैंगो, 27 मैंगोज कॉस्ट इक्वल टू 27 × 5.5। ओके वी फाइंड 27 × 5.5, 27 × 5.5, नेक्स्ट इज ऑल्सो 27 × 135, 553834 1, दिस इक्वल टू 1485, एंड वी टेक आफ्टर वन डिजिट डेसिमल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 27 मैंगोज। 15 मैंगो कॉस्ट 75.75, वन मैंगो कॉस्ट 5.5, एंड 27 मैंगो कॉस्ट 148.5 रुपीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ मैन अर्न्स रुपीज 393 इन 3 डेज, हाउ मच विल ही अर्न्स इन 3 वीक। सैलरी अ मैन अर्न्स 393 रुपीज इन 3 डेज, 3 दिन में कितने कमा लेता वो 393 रुपीज, हाउ मच विल ही अर्न्स इन 3 वीक, तो 3 वीक में कितने कमा लेता, 3 वीक्स में कितनी कमाई है उसकी। ओके देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो बाय यूनिटी मेथड, वी राइट इन 3 डेज बिकॉज वी फाइंड हाउ मच मनी, वी फाइंड मनी सो वी टेक मनी राइट साइड। ओके इन 3 डेज अ मैन अर्न्स इक्वल टू रुपीज 393, इन 3 डेज अ मैन अर्न्स रुपीज 393, इन 1 डेज अ मैन अर्न्स, एक दिन में ज्यादा कमाएगा कम, कम कम के लिए डिवाइड, फॉर लेस वी टेक डिविजन बाय 3, 1, 3, 1, इन वन डे ए मैन अर्न्स 131 रुपीज, वी फाइंड द मनी फॉर 3 वीक, इन 3 वीक टोटल डेज बिकॉज देर इज डेज इन 3 वीक टोटल डेज, इन 1 वीक 7, इन 3 वीक 21, इन 21 डेज अ मैन अर्न्स इक्वल टू 131 × 21। ओके देन 131 × 21, 131 अगेन 2 6 एंड 2, 1572, दिस इक्वल टू 2751, इन 21 डेज अ मैन अर्न्स 2751 रुपीज। ओके लेट अस प्रोसीड अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 42 मैन कैन डू द सेम वर्क। 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, एंड वी फाइंड हाउ मेनी डेज 42 मैन कैन डू द सेम वर्क, वी फाइंड डेज, देन वी टेक डेज ऑन राइट साइड एंड मैन इन लेफ्ट साइड। ओके देन वी राइट 24 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। ओके एंड वन मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, वन मैन एक आदमी उसी काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम कम लेगा या ज्यादा, ज्यादा फॉर मोर टाइम वी टेक फॉर मल्टीप्लीकेशन 35 × 24, 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 35 डेज, एंड वन मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क मैनी डेज, सो वी टेक मल्टीप्लीकेशन 35 × 24। ओके नेक्स्ट 42 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, वन मैन इतने दिन लेगा, 42 मैन तो कम दिन लेंगे और कम के लिए डिवाइड, सो नेक्स्ट वी टेक 35 × 24 / 42। ओके नेक्स्ट वी कैंसल दिस, टू देन टू 1 2 देन टू 12 एंड टू 2 देन 1 अगेन बाय
7, 7, 3, 21 and 7, 5 sir. Next 3 and next 4. 5, 4, 20. 20 days. 20 days. Answer is 20 days. 24 men can do a piece of work 35 days. 1 man 35 × 24 and 42 men 20 days. Okay, 42 men can do a piece of work complete in 20 days. Next question is question number 8. To complete a work in 27 days, 52 men are required. How many men will be required to complete the same work in 36 days? We find men. We find men. There is days and men. We find men. Then we take men on right side and days in left side. Okay, days in left side and men right side. Then in 27 days, 52 men are required. Then we write in 27 days 52 men are required. Okay, then in one day, एक दिन के लिए अगर हमने काम कंप्लीट करवाना है एक दिन में, तो हमें कम मैन की जरूरत है, ज्यादा की? एक दिन में काम करवाने के लिए ज्यादा की. हमें सेंस देखनी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट. ओके, काम एक दिन में करवाना, टाइम हमारा क्या है, कम. अगर हम कम लेते हैं, पर्सन कैसे होंगे हमारे ज्यादा, तो कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. देन वी टेक अ मल्टीप्लीकेशन. इन वन डेज 52 मल्टीप्लाई 27 मैन आर रिक्वायर्ड. ओके, दीज आर मैन. नेक्स्ट फोर द सेम वर्क इन 36. इन 36 डेज हाउ मैनी पर्सन इन 36 डेज के लिए हमें कम पर्सन की जरूरत होगी. टाइम हमारा, दिन हमारे क्या हुए हैं, बड़े हैं. देन पर्सन कैसे होंगे, डिक्रीज. एंड दिस इज ऑल्सो इनवर्स. देन वी टेक 52 मल्टीप्लाई 27. और वन डे के लिए इतने पर्सन की जरूरत है, तो 36 के लिए कम, और कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड. देन 36. ओके, नेक्स्ट कैंसिल आउट बाय 2, देन 18, देन 2, 26. नेक्स्ट अगेन 2, देन 9, 2, 30, देन 9, 1, 9, 3. 13 threes are 39, and these are 39 men. 39 men. In 27 days, 52 men are required. In 1 day, 52 multiply 7 men required. In 36 days, 52 multiply 27 by 36. 39 men are required. बच्चे, जब भी हमें greater चाहिएगा, और इस question को आप ऐसे भी write कर सकते थे, in 27 days, men required 52. Okay? अगर आप नहीं लिख पाते, तो आप question की sense, जैसे question में दी गई, आप वैसे भी लिख सकते हैं. Otherwise, आपके तरीके से भी लिख सकते हैं. In 27 days, men required 52. In 1 days, men required this. In 36 days, men required this. Okay? But, जब भी unity method से question solve करते हैं, वी नीड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके, जब भी ग्रेटर की जरूरत है हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी कम की जरूरत है हम डिवाइड करेंगे. ओके, नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. अनीता हैज इनफ मनी टू बाय 24 बनानास एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर डजन. हाउ मैनी बनानास कैन सी बाय इफ द प्राइस ऑफ ईच बनाना इज इंक्रीज बाय 30 पैसे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अनीता हैज इनफ मनी टू बाय 24 बनाना. अनीता के पास सिर्फ कितने पैसे हैं, 24 बनाना बाय करने के लिए ही पैसे हैं. एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर डजन, और पर डजन कॉस्ट कैसी है, 18 रुपीज. और उसके पास 24 बनाना मीन्स 2 डजन. उसके पास 2 डजन, 2 दर्जन पैसे के बनाना के लिए पैसे हैं. दैट मीन्स फॉर 1 डजन 18 रुपीज, फॉर 2 डजन 36 रुपीज. हाउ मैनी बनाना कैन सी बाय इफ द प्राइस ऑफ ईच बनाना इज इंक्रीज बाय 30 पैसे. इफ द प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज, देन हाउ मैनी बनाना सी कैन परचेज. ओके, देन फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 डजन
बनाना इक्वल टू रुपीज 80, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ वन डजन मीन्स 12 बनाना एंड फॉर 24 बनाना मीन्स 2 डजन, कॉस्ट ऑफ 2 डजन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 36 रुपीज। देन अनीता हैज टोटल 36 रुपीज, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इंक्रीज, फर्स्ट वी फाइंड प्रीवियस कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ वन डजन बनाना, वन डजन मीन्स कॉस्ट ऑफ 12 बनाना इक्वल टू 18 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ वन बनाना इक्वल टू 18 बाय 12, 3/2, एंड दिस इक्वल टू 1.5 रुपीज। वन बनाना कॉस्ट 1.5 रुपीज, एंड कॉस्ट इंक्रीज इक्वल टू 30 पैसे, देन न्यू कॉस्ट प्रीवियस कॉस्ट 1.5 एंड न्यू कॉस्ट प्लस 30 पैसे, देन 1.80 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन बनाना, ओके, न्यू कॉस्ट। एंड टोटल रुपीज, अनीता हैज टोटल रुपीज 36 एंड वन बनाना 1.80, वी फाइंड नंबर ऑफ बनाना, ओके। देन नंबर ऑफ बनाना इक्वल टू टोटल रुपीज बाय वन बनाना कॉस्ट, ओके। देन वी राइट दिस 36 बाय 180 एंड फॉर दिस वी टेक मल्टीप्लीकेशन, 100 कैंसल, 18 1 18 2 0, दिस इक्वल टू 20। देन नंबर ऑफ बनाना 20, अनीता परचेज अकॉर्डिंग टू न्यू कॉस्ट 20 बनाना, ओके। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉस्ट सी परचेज 24 बनाना, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉस्ट सी परचेज 20 बनाना, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10, 6 टैप्स थ्रू विच वाटर फ्लो एट द सेम रेट कैन फिल ए टैंक इन 3 मिनट्स, ओके। 6 टैप फिल ए टैंक इन 3 मिनट, इफ वन टैप गोज आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स काम करना बंद कर दे, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द सेम वर्क, देन हाउ लॉन्ग, देन वी फाइंड द टाइम दैट इज वन, इफ वन टैप गोज आउट ऑफ ऑर्डर देन रिमेनिंग टैप 5 टैप्स, ओके। देर इज टोटल 6 टैप, इफ वन टैप गोज आउट ऑफ ऑर्डर देन देर इज 5 टैप्स, ओके। देन वी फाइंड द टाइम फॉर 5 टैप्स, ओके। वी फाइंड टाइम, देन वी टेक टाइम राइट साइड एंड टैप लेफ्ट साइड, ओके। वी राइट 6 टैप फिल अ टैंक टाइम, देर इज टाइम 3 मिनट्स, फिल अ टैंक इन 3 मिनट, देन वन टैप फिल अ टैंक इन वन टैप, अगर 6 नल एक टैंक को 3 मिनट्स में भरते हैं तो एक नल तो ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ज़्यादा के लिए होगा हमारे पास मल्टीप्लाई 6 × 3 मिनट, ओके। 6 टैप फिल ए टैंक इन 3 मिनट एंड वन टैप फिल ए टैंक इन 6 × 3 मिनट, ओके। देन वी फाइंड 5 टैप्स फिल ए टैंक इन, अगर एक टैप इतने मिनट में भरेगा तो 5 टैप्स तो कम टाइम लेंगे, और कम के लिए डिवाइड 6 × 3/5, और दिस आर मिनट, देन दिस इक्वल टू 18/5 मिनट, ओके। दिस आर मिनट, देन वी टेक 5 × 3 = 15.3 × 3 = 6, 3.6 मिनट, दिस आर मिनट, 3.6 मिनट। इफ वी टेक दिस 3 मिनट एंड 3 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट एंड वी मेक 0.6 मिनट सेकेंड एंड इन 1 सेकेंड 1 मिनट 3 is 60 seconds, देन मल्टीप्लाई 60 एंड दिज आर सेकेंड, 3 मिनट प्लस 0.6 × 60 दैट इज एंड वी टेक हेयर एंड दिस इज सेकेंड, देन 3 मिनट प्लस 36 सेकेंड, वी राइट 3 मिनट
36 seconds. Okay, if 6 taps fill a tank in 3 minutes, then 5 taps fill a tank in 3 minutes 36 seconds. Okay students, this is a exercise 9.1 and 1 to 10 question in our syllabus. With the help of this video, you complete your exercise in your notebook. I left 1, 2, and 3, some questions are pending, and you do these questions yourself. Okay.